हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में पार्ट थर्ड का जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सबका प्रैक्टिस करेंगे। आज के वीडियो में सेट वन में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सबका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसे ही चार से पांच सेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। एग्ज़ाम में उस सबसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो चलिए सेट वन का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन नाटक को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था? रत्नावली। रत्नावली को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताया जाएगा। अगर डिटेल में बताएंगे तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है वीडियो या डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल में मैं बताया हूँ वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब आ गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का दूसरा शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय बना। अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? चंपा। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? चाणक्य। अर्थशास्त्र को चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा। गुजरात किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो बिहार जो है पांच राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। भारत कौन मरुभूमि क्षेत्र है? तो जैसलमेर। भारत का मरुभूमि क्षेत्र जैसलमेर है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है विधानसभा के चयनित सदस्य के द्वारा। लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? गरबा। गिर जंगल प्रसिद्ध है। गिर जंगल जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। झेलम नदी पर किसने लड़ाई किया? झेलम नदी पर पोरस और सिकंदर ने लड़ाई किया। पटना का सबसे पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। काली मृदा उपयुक्त होता है? काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पहली बार भारतीय विधानमंडल द्विसदनीय बना कब बना? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारतीय विधानमंडल द्विसदनीय बना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा भी जाना जाता है, तो लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल के रूप में भी जाना जाता है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? अकबर। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा जो है ये किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश। सबसे बड़ा एशिया महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश कौन है? चीन। गंगा का उद्गम स्थल है गोमुख। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है। कौन सी नदी अरेबियन सागर में मिलती है? नर्मदा नदी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस।
दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में रहेगा द्रौपदी मुर्मू, तो आप उसी को टिक करना। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा। GST का पूरा नाम क्या है? GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। PV संधु संबंधित है बैडमिंटन से, PV संधु बैडमिंटन से संबंधित है। साक्षी मल्लिक संबंधित है, साक्षी मल्लिक कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, मेरी कॉम संबंधित है मुक्केबाजी से। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। क्वेश्चन नंबर 42, 2019 में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया गया? प्रयाग में। ताजमहल अवस्थित है आगरा में। हवा महल अवस्थित है, तो हवा महल जयपुर में अवस्थित है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में, ऑप्शन बी हो जाएगा बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत प्राय प्रजाति क्या है? जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है, इनमें से किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा में, जिसे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिला की कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो 1/3। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांवों का विकास। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वनों में पेड़ की कटाई कहलाती है वनों उन्मूलन। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत नाले की पानी है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। जंगल में पेड़ों को लगाना कहलाता है वनोरोपण, पेड़ों को लगाना वन रोपण कहलाता है, और पेड़ों की कटाई वनों उन्मूलन कहलाता है। ध्वनि के किस तीव्रता को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? 120 डेसिबेल को। निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? मलेरिया। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को। सबसे अधिक 1% वाला राज्य है? मिजोरम। बाघ परियोजना लागू किया गया 1973 ईस्वी में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई 1961 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, साइलेंट घाटी स्थित है केरल में। गति का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है डेसीबेल। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मानव आबादी जैसे जैसे डैश होती है पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है। तो मानव आबादी जैसे जैसे बढ़ती है पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है। प्रदूषण का मुख्य कारण है, प्रदूषण का मुख्य कारण नाले का पानी है, औद्योगिक अवशेष भी है, वाहन का धुआं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बिहार सरकार ने पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। बेसिक है एक, तो बेसिक क्या है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, दक्षिण गंगोत्री है एक, तो दक्षिण गंगोत्री एक अंटार्कटिक मिशन का भारत का अस्थायी स्टेशन है। प्रोटीन पचने के बाद बनता है एमिनो एसिड बनता है। जैव विविधता पर खतरा है वनों की कटाई से। एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है एड्स के लिए, एलिसा टेस्ट का उपयोग एड्स के लिए किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट का कारण है, जनसंख्या विस्फोट का कारण निरक्षरता, निर्धनता, जागरूकता का अभाव, ये सभी है, तो
तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी क्वेश्चन नंबर 75, बिहार सरकार द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध एक कदम है तो अच्छे स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, इसके दुष्परिणाम को रोकना, रुपए के दुरुपयोग को रोकना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, एड्स है, एड्स क्या है, तो एड्स एक वायरल रोग है। अग्नि है, अग्नि जो है ये क्या है, तो अग्नि एक मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली जो है मिसाइल है। लिपेज के रूप में कार्य करता है, तो वसा, वसा जो है लिपेज के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 79, सदाबहार वन पाया जाता है, तो सदाबहार वन जो है गर्म क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, अत्यधिक वर्षा में भी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें किसी में नहीं। गैसियस ईंधन का उदाहरण है LPG। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतु के अंतर संबंधों से संबंधित है इकोलॉजी कहलाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में। इकोसिस्टम के दो अंग हैं, इकोसिस्टम के दो अंग बायोटिक और अबायोटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, हरा पौधा कहा जाता है उत्पादक। निम्नलिखित में कौन रिन्यूएबल संसाधन है, तो पेड़, पेड़ जो है रिन्यूएबल संसाधन है। इनमें से कौन ओजोन परत को क्षय करने वाला उत्तरदायी रसायन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा की घटना होती है जब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो वनों को लगाकर रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, फसल पर DDT के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है मृदा और पानी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित रोगों में कौन सा यौन संचारित है, सिफिलिस, ऑप्शन डी होगा सिफिलिस। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। अनुवंशिकता का नियम किसने दिया, मेंडेल ने। भारत में आणविक ऊर्जा के शोध एवं विकास के रीढ़ कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 95, कौन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, M.S. स्वामीनाथन। pH का उपयोग मापन करने में होता है अम्लता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, ओजोन लेयर का नाश करता है। सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो चीन है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण फसिल फ्यूल का जलना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट वन कंप्लीट हो गया, सेट वन में जो 100 क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।